किसान बंधुओं, खेती में प्रयोग लाए जाने वाले कृषि निवेशों में सबसे महंगी सामग्री उर्वरक है। इसलिए उर्वरकों में मिलावटी पदार्थ एवं मिलावट की जांच का आसान तरीका के बारे में जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले उर्वरकों में मिलावटी पदार्थ के बारे में चर्चा करते हैं कि किस उर्वरक में कौन सा पदार्थ आसानी से मिलाया जा सकता है। मिलावटखोरों द्वारा यूरिया में MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास और साधारण नमक का मिलावट किया जा सकता है। DAP डाइअमोनियम फास्फेट में सिंगल सुपर फास्फेट, रॉक फास्फेट, NPK मिश्रण, चिकनी मिट्टी का मिलावट किया जा सकता है। सिंगल सुपर फास्फेट में चिकनी मिट्टी और जिप्सम की गोलियों का मिलावट आसानी से किया जा सकता है। हमारी वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करते हुए कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास, इसमें बालू और साधारण नमक, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का मिलावट, कॉपर सल्फेट एवं फेरस सल्फेट में बालू साधारण नमक भी मिलाया जा सकता है। उर्वरकों में मिलावट है या नहीं, आइए इसकी साधारण जांच किसान बंधु कैसे करें इस पर चर्चा करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यूरिया, शुद्ध यूरिया चमकदार लगभग समान आकार के दाने वाला होता है जो पानी में पूर्णतया घुल जाता है। घोल को छूने पर शीतलता की अनुभूति होती है। गर्म तवे पर रखने से पिघल जाना, आंच तेज करने पर कोई अवशेष न बचना शुद्ध यूरिया की साधारण पहचान है। DAP डाइअमोनियम फास्फेट, सामान्यतः शुद्ध DAP के दानों का आकार एकदम गोल नहीं होता। DAP के दानों को गर्म करने पर या जलाने पर दाने फूल कर साबुदाने की तरह खिलकर लगभग दोगुने आकार के हो जाएं तो वह शुद्ध होगा। DAP के दानों को लेकर फर्श पर रखें, फिर जूते से ताकत के साथ रगड़ें। शुद्ध DAP के दाने आसानी से नहीं फूटेंगे। यदि आसानी से टूट जाएं तो DAP में मिलावट है। SSP सिंगल सुपर फास्फेट, दानेदार पाउडर, काला भूरा आदि रंगों में होता है। यदि एक दाना हथेली पर रगड़ने से आसानी से टूट जाए तो शुद्ध है। जिंक सल्फेट, पानी में घुलनशील, लेकिन इसका घोल यूरिया MOP की तरह ठंडा नहीं होता तो यह शुद्ध पदार्थ है। MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, शुद्ध MOP पानी में पूर्णतया घुलनशील होता है। रंगीन MOP का लाल भाग पानी पर तैरता है। यदि ऐसा है तो MOP शुद्ध है। शुद्ध MOP के कण नम करने पर आपस में चिपकते नहीं है। फिर मिलते हैं किसी दूसरे विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम एवं वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।